यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें सुनकर ही सर चकराने लगता है। ऐसा ही एक सवाल पूछा गया सृष्टि देशमुख से, जब इंटरव्यूअर ने कहा कि मान लीजिए कि आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं और आपके शहर में अचानक एक ही समय पर दो जगहों पर बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। पहली है गर्ल्स कॉलेज में, जहां कुछ बदमाश गर्ल्स पर एसिड अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं और ये खबर एकदम पक्की है क्योंकि वो ऐसी वारदात को पहले भी अंजाम दे चुके हैं, और दूसरी उसी शहर में कुछ लोग मॉब लिंचिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में आपको इन दो में से किसी एक जगह पर जाने को कहा जाए तो आप कहाँ जाएंगी? इस पर सृष्टि देशमुख ने बड़ी ही समझदारी से जवाब दिया। सृष्टि ने कहा कि दोनों ही घटनाएं गंभीर हैं, लेकिन मैं मॉब लिंचिंग वाली जगह पर जाऊंगी क्योंकि मॉब लिंचिंग की घटना का शहर पर काफ़ी असर पड़ सकता है, सांप्रदायिक हिंसा भी भड़क सकती है जिसे कंट्रोल करना बाद में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसके साथ ही सृष्टि ने कहा कि इससे पहले मैं ये सुनिश्चित करके जाऊंगी कि एसिड अटैक वाली जगह पर लोकल प्रशासन और पुलिस अधिकारी पहुंचे और उस क्षेत्र की घेराबंदी की जाए, साथ ही सभी गर्ल्स को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए जिससे दोनों सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। सृष्टि के इस जवाब से इंटरव्यूअर काफ़ी खुश हुए। आज सृष्टि देशमुख देश की यंग आईएएस हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।